देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत अच्छा है और 2019 का ही है। इसमें आपको दिया एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड बी रूट एक्स है, एक डायरेक्शन में जा रहा था। कहने लगे वेलोसिटी बताइए, कहीं वेलोसिटी मालूम तो है, कहीं रुक जाइए। आपको वेलोसिटी तब बतानी है जब टाइम जो है वो टॉर्क हो जाए, टाउ हो जाए। ये सिंबल काहे का है, टाउ यानी कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है। कहीं जब टाइम टाउ सेकंड होगा तब बताइए वेलोसिटी, तो जाने। तो आपने कहा अच्छा बेटा बताते हैं वेलोसिटी, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कम से कम टाइम के रिस्पेक्ट में तो आ ही जाएगा। तो आपने कहा dv/dt, ठीक, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू आर द मैथमेटिशियन, हमसे अच्छी मैथ आती है, तो आपको dy/dt करना पड़ेगा इसका। ये क्या आपका, कह लगे साहब एक्सीलरेशन है हमारा। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे n n-1 इंटू dy/dt ऑफ दिस क्वांटिटी, बस काम बन गया। देखो बेटा b कांस्टेंट है, ये आ गया, ये क्या है -1/2, जब ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा -1/2, नीचे आके प्लस हो गया। dx/dt वेलोसिटी होती, वेलोसिटी आपको मालूम है, यानी आपने इसको इसको काट दिया और ये हो गया b²/2, यानी जो एक्सीलेशन है वो किसके बराबर आ गया बेटा, b²/2। एक्सीलेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, बस काम बन गया आपको। अब देखिए टाइम डिपेंडेंट निकल आया, dv=b²/2 dt। क्या कर दे बेटा, इंटीग्रेट कर दीजिए, कांस्टेंट टाइम ने बाहर ले लिया। इनिशियली कह रहे हैं जब टाइम जीरो था तो ये रेस्ट पे था, इस टाइम पे यानी टाउ पे आपको वेलोसिटी बता दी थी, बस काम हो गया। ये बराबर v हो गया, जीरो से लेके v²/2 dt का ये, अब हमसे ना लिखवाया जीरो, समझे हीरो, यानी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी v²/2 टॉर्क। तो चीजें आसान हैं, जो जो कहता जा रहा है वो करते जाइए, बट डिफिकल्टी लेवल क्या था, ये वाला था, और आप तो मैथमेटिशियंस हैं इसलिए आपके लिए कोई डिफिकल्टी लेवल था नहीं, बस आपको आइडिया मिल जाता गुरु एक बार डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलेरेशन निकाल लें और एक्सेलेरेशन से जो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट मिल जाएगी, तो इस लिमिट पे पहुंचना उनके लिए कोई आसान, कोई दिक्कत वाला काम नहीं होता।